न्यूज एट सिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज रात को होगी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मुलाकात। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ये मुलाकात होनी है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी 6 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तो आज ये मुलाकात होगी। हालांकि देखना लाजमी है कि क्या मुलाकात से बात बनेगी, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर अगर ये मुलाकात होती है तो बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी हालांकि 6 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है, यानी कि 6 से ज्यादा सीट आरजेडी फिलहाल कांग्रेस को नहीं देना चाहती। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, और इसी कड़ी में आज ये मुलाकात होनी है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ये मुलाकात होनी है। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है, आरजेडी 6 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसा हुआ है, उसको लेकर भी बातचीत होनी है। तो आज ये मुलाकात, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो लोकसभा का चुनाव है, उसी के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में लगातार सियासत गर्माई हुई है। चूंकि आरजेडी ने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ गई है, और इसी कड़ी में आज ये मुलाकात होगी। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 6 सीट का ऑफर आरजेडी की ओर से किया गया है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों की बात कह रही है। देखना लाजमी है कि क्या वाकई आज मुलाकात से बात बनेगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। तो दिल्ली में ये मुलाकात होने वाली है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी। तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ये मुलाकात होगी। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर अड़ी हुई है, आरजेडी 6 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है। तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी ये मुलाकात देखिए कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सियासत हो रही है, इसी कड़ी में आज ये मुलाकात होनी है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है सुबह से कि क्या कोई टाइमिंग फिक्स होगी मीटिंग की, और कौन कौन लोग होंगे मीटिंग में, किसके किसके बीच मीटिंग होगी। क्योंकि लालू परिवार के लोग दिल्ली में मौजूद हैं, लालू यादव खुद हैं, तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं, इधर भी राहुल गांधी भी मौजूद हैं, और सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। लेकिन मीटिंग किसके बीच होगी, जो खबर हमारे पास आई कि राहुल और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बीच बातचीत हो सकती है, एक और खबर आ रही है। दो खबरें, एक हो गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बातचीत करें और बातचीत सॉर्ट आउट हो जाए कि फाइनल चीजें क्या है। एक यह है कि हो सकता है कि अभी पहले दौर में लालू यादव यहाँ चूंकि मौजूद हैं दिल्ली में, तो उनके हालचाल पूछने के बहाने कांग्रेस के 3-4 नेता उनसे मिलने जाएं, जिसमें मुकुल वासनिक जो सीट शेयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो रहेंगे, साथ साथ जो अभी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है केसी वेणुगोपाल वो रहेंगे, साथ अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष वो, और एक और नेता। तो 3 से 4 नेता लालू यादव के घर जाएं, उनसे मुलाकात करें, वहां अपनी बात रखें। लेकिन बात तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक दोनों परिवारों के बीच बात नहीं होगी। जब तेजस्वी यादव बात करें राहुल गांधी से या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हो, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी दिल्ली में मौजूद नहीं है, हमें बताया जा रहा है कि कल वो आने वाले हैं, और कल सीईसी की बैठक भी है, कांग्रेस सीईसी की बैठक भी कल 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें बिहार को लेकर चर्चा होनी है। अभी तक बिहार को लेकर चर्चा नहीं हुई, बिहार के सीटें डिक्लेयर नहीं हुई, इसी वजह से कि यहाँ पेज फंसा हुआ है। पहले फेज का नॉमिनेशन 28 तारीख तक बिहार में है, और अभी 26 तारीख है मान के चलिए, तो कल भर का समय है। कल किसी तरह से आज शाम में या कल दोपहर तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, और शाम में सीईसी में कांग्रेस पार्टी अनाउंस करेगी और मीटिंग में डिस्कस करेगी कि बिहार की जो जो भी सीटें मांग रहे हैं, वो 9 मांग रहे हैं, उनको 6 मिले, क्योंकि पहले फेज में सिर्फ एक सीट ऐसा है जिस पर कांग्रेस पार्टी का दावा है अब तक, कि औरंगाबाद सीट माना जा रहा। तो हो सकता है औरंगाबाद सीट को लेकर पेज अगर क्लियर हो जाता है, नवादा सीट भी मांग रहे थे अखिलेश सिंह चाहते थे उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, तो शायद वो भी क्लियर हो जाए, तो उसके बाद शायद कल सीईसी में मामले को डिस्कस कर इन सीटों पर नाम डिक्लेयर
शेयर किया जाए। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि दो बातें हो रही है यहाँ की, एक मुलाकात तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हो सकती है, दोनों अपने दिल्ली में ही मौजूद है, और दूसरी है कि पहला एक टीम जाए लालू कांग्रेस की तरफ से, लालू यादव से मुलाकात करे, उनका हाल चाल पूछे और अपना प्रस्ताव रखे कि हम इन 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे रवि, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में बेशक मुलाकातों का सिलसिला हम देखेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई है आरजेडी की ओर से, यह कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी अपने उम्मीदवारों को लगातार उतार रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी से आप सवाल करेंगे तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। ये कहें कि कहीं ना कहीं मतभेद ये जो देखने को मिल रहा है, ये अब ये इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में थोड़ी दरारें जरूर पड़ गई है, जिसका फायदा बिहार में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। अरे देखिए, ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स है, अब आप सीट शेयरिंग को लेकर बार्गेन करते हैं, पार्टियां करते हैं, और आज से नहीं है। आपको एक इतिहास बताना चाहूंगा, 2009 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, दोबारा सत्ता में आई थी, उस लोकसभा चुनाव में मुझे आज याद है कि रामविलास पासवान और लालू यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी, उसमें कांग्रेस को बुलाया तक नहीं, और सिर्फ कांग्रेस के लिए 4 सीटें छोड़ी थी। वैसी स्थिति में भी कांग्रेस ने समझौता नहीं तोड़ा था, लालू से अलायंस नहीं तोड़ा था, बाद में बातचीत हुई, लंबी बातचीत चली और करके उसको मामले को सॉर्ट आउट किया गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा अलायंस है जो आरजेडी और कांग्रेस का जो लगातार चलता रहा है, मनमुटाव होता है, खींचतान होता है, सीटों को लेकर बातचीत होती है, और हर बार ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं विनेबिलिटी फैक्टर पर जोर दिया जाए। देखिए मनोज झा बार बार कह रहे हैं विनेबिलिटी फैक्टर, और इसका आधार क्या है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें ली और वो जीते कम, CPIML जो माले है उसने कम सीटें ली और उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहा। तो कहीं ना कहीं ये आईना भी आरजेडी कांग्रेस को बार बार दिखाती है कि आप जीतोगे उतने ही सीट लो, और कांग्रेस बार बार कहती है कि चूंकि हमारा, लेकिन रवि देखिए हर एक सीट पे कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, और यही वजह है कि पूर्णिया की सीट को लेकर देखिए आर पार की लड़ाई हम देख रहे थे। पप्पू यादव ने भी खुले तौर पर सोशल मीडिया में ऐलान कर दिया था कि ना ही कांग्रेस छोड़ूंगा और ना ही पूर्णिया की सीट छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तकरार है, और ये अच्छी तकरार है। देखिए अगर इस तरह की स्थिति आ रही है कि जहां लग रहा है कि बीजेपी कह रही है कि हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, उसके बावजूद अगर महागठबंधन में इस तरह की चीज़ें आ रही है कि एक एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है, यानी कि अभी भी इनको उम्मीद है ये जीत सकते हैं, इस वजह से इस तरह की चीज़ें दिख रही है। पप्पू यादव ने पार्टी पूरी अपनी कहा जाए मर्जर कर दिया कांग्रेस पार्टी में, और अभी पूर्णिया ना मिले उससे पहले लालू यादव से और जाके राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेने के बाद दिल्ली आए हूँ। बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी संभव कहा जाए असंभव नहीं, और कब क्या पलटी मार जाए, कब कहते हैं ना राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, तो इस लिहाज से इस फॉर्मूले को आप बीजेपी के साथ भी लागू कर सकती हैं और कांग्रेस और इस गठबंधन के साथ भी लागू कर सकती हैं। लेकिन इससे तो ये बात कहीं ना कहीं जाहिर हो जाती है रवि कि बेशक राष्ट्रीय पार्टी जरूर है कांग्रेस, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी का दबदबा है, और यही वजह है कि लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। बीमा भारती आ जाती है, फटाफट से आरजेडी का दामन थाम लेती है और वहीं पर ऐलान कर देती है, दावा कर देती है कि पूर्णिया की सीट तो उनको ही मिलेगी। पप्पू यादव यहां पर दावा करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हालात ना सिर्फ एक सीट को लेकर है, बल्कि यहां पर जो कांग्रेस है वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी कर रही है, खास करके मैं बिहार का जिक्र कर रही हूं। नहीं बिल्कुल, आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं पूरे देश के संदर्भ में इसको बताना चाहूंगा जी। कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, कांग्रेस की इसी वजह से कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस स्टेट में सोचिए 1984 के चुनाव में 85 में से 83 सीट कांग्रेस जीती थी, आज वहां 2 सीट लड़ने के लिए कौन लड़ेगा इसको लेकर आप समझ नहीं सोच नहीं पा रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी आपको 17 सीट दे रही है, पहले 11 सीट देकर ट्विटर पर ऐलान करती है 11 सीट देंगे, बहुत बार्गेनिंग होता है तो 17 तक, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल उसके अलायंस से निकल जाता है तब आपको स्पेस मिलता है, इसी तरह यहाँ JDU निकल गया तब आपको स्पेस मिला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो गई क्योंकि उसके पास अपना वोट बैंक नहीं है। अगर कांग्रेस का अपना वोट बैंक होता तो शायद ये स्थिति कांग्रेस की नहीं होती, और यही हाल कांग्रेस का हर जगह है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लें, चाहे बंगाल में देख लें, चाहे बिहार में देख लें, चाहे महाराष्ट्र में देख लें, हर जगह जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस को कमजोर मानती हैं क्योंकि उसका अपना वोट बैंक नहीं है, इस वजह से उसकी बार्गेनिंग होती है और उसको कमतर करके आंका जा रहा है। बिल्कुल रवि, एक आखिरी सवाल कर, कांग्रेस की जो बैठक है वो भी होने वाली है शाम के 4 बजे, बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बैठक करेगी और उसमें यूपी महाराष्ट्र और बिहार की सीट को लेकर भी चर्चा होगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही खबर है। कल 4 बजे सीईसी की बैठक बुलाई गई है और चूंकि इन नामों पर मुहर लगना, अभी तक बिहार को डिस्कस ही नहीं किया गया है सीईसी में, तो कहीं ना कहीं बिहार को डिस्कस करके बिहार के जो सीटें हैं 6 या 9 जो भी होंगी, जिस पर आज एक आम सहमति बन जाएगी आरजेडी से आज रात तक या कल दोपहर तक, उन सीटों पर नाम फाइनल करके आपको नाम डिक्लेयर करने होंगे। अब कल तो कोई मारामारी नहीं है, कल से 1 से 2 सीटों का नाम, कम से कम फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं उसमें अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो उसके लिए नाम का ऐलान हो सकता है, और नहीं मिलती है तो कांग्रेस के लिए अब आगे का समय है। कांग्रेस अगर औरंगाबाद भी नहीं मिलता है, नवादा भी नहीं मिलता है, गया कांग्रेस का दावा नहीं है, तो कम से कम 2 सीटों पर कांग्रेस का दावा है। अगर इन सीटों पर कुछ चांसेज है तो कल सीईसी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, और अगर दावा नहीं है तो बिहार के लिए कल सीईसी का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। महाराष्ट्र है, बाकी राज्यों में जहां फर्स्ट फेज के चुनाव होने हैं वहां कम से कम अनाउंसमेंट हो जाए और लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कल ही नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बिल्कुल रवि, देखना लाजमी है कि कल शाम 4 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे